हेलो फ्रेंड्स, मैं हुशीबा। आज हम अपने किचन में शाही टोस्ट बनाने जा रहे हैं और शाही टोस्ट बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो इस तरह से हैं। सबसे पहले हमने ये घी ले रखा है और ये दूध हाफ के जी है ये, और ब्रेड जो हमने नॉर्मल साइज की ली है, मीडियम साइज की, 4 स्लाइसेस हमने ले रखे हैं। इसमें आप ब्राउन ब्रेड भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट भी, ये आपकी मर्जी पर है। ये हमारे ग्रीन कार्डिमम है जो हमने ये इसमें डालने हैं, और ये हमारे आलमंड्स जो हम इसको बाद में काट के गार्निश में इसको यूज करेंगे। ये हमारा मिल्क पाउडर है जो हमने 3 टेबलस्पून लिया है। ये हमारा फूड कलर जो इसमें यूज होगा। मेजरमेंट के लिए ये मैंने आपको बताया है कि ये 1 ग्लास ऑफ वाटर है। सेम यही साइज का हमने ये शुगर लिया है जिसमें हमने थोड़ा सा कम शुगर ली है 1 ग्लास से, और दूध हमारा 1.5 यानी कि 1.5 ग्लास हो जाएगा हमारा, ये मेजरमेंट रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि शाही टोस्ट कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये सामान, ये हमने दूध ले रखा है जिसको हम अब बॉइल करने रख रहे हैं। इसको हमें काफी देर बॉईल करना है ताकि ये हमारा दूध जो है पक पक के गाढ़ा रबड़ी के जैसे हो जाए, और इसमें हम मिल्क पाउडर भी इसी में ऐड कर देंगे, और दोनों मिक्स करके हमें काफी देर पकाना है ताकि ये खूब अच्छे से गाढ़ा हो जाए। और ये हमारा पानी जो हम इसमें वाटर हमने इसमें डाल दिया है, और अब इसमें हम अपनी ये शुगर भी ऐड कर रहे हैं। ये शुगर इसमें चली गई है, इसको हमें पकाना है जब तक कि ये थोड़ा, एक तो चीनी इसमें मेल्ट हो जाए अच्छी तरह से, और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। मैं आपको बताती जाऊंगी आगे कि कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम, ये हमारा मिल्क पाउडर है, इसमें हम थोड़ा इसमें दूध इसमें डाल के इसको थोड़ा सा ऐसे घोल के फिर हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारा मिल्क पाउडर इसमें दूध में डाल के ऐसे घुल गया है, और अब ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक कि एक तो अच्छे से बॉईल ना हो जाए और थोड़ा गाढ़ा जब तक ना हो जाए। ये हमें रबड़ी टाइप गाढ़ा करना है, तो इसमें ही हम अपनी ग्रीन कार्डियम पाउडर भी डाल देंगे ताकि साथ साथ वो भी इसमें पक जाए और अच्छे से इसकी स्मेल हो जाए। ये हमारा इधर अच्छे से खोल रहा है, और ये हमारा वाटर इसमें शुगर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हमने ये थोड़ा सा पानी इसमें लिया हुआ है, इसमें हम फूड कलर डाल के इसमें मिक्स कर देंगे। बस थोड़ा ही है, 2 पिंच समझ लें आप। ये हमारा बन गया है, और ये भी हमारा लगभग बस बन ही गया है। फ्रेंड्स, ये हमने इसमें अपना घी ले लिया है, और गैस भी हमारी ऑन हो चुकी है, ये गरम होने लग गया है। ब्रेड के हमने स्लाइसेस कर लिए हैं, 4 स्लाइसेस हमने एक एक ब्रेड के हमने ऐसे करे हुए हैं, 4 स्लाइसेस में ऐसे करके हमने काट लिया है, और हमने इसके साइड्स नहीं निकाले हैं, तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं और चाहे तो ना निकालें, हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और इधर हमारा इस साइड दूध पक के अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, तो इसे कंटिन्यू रहने दीजिए। ये हमारा घी हमारा यहाँ पर हो चुका है, आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैंने देसी घी यूज किया है। इसमें ऐसे डालेंगे, थोड़े थोड़े डालते जाएंगे, और इससे पलट के ही हम ऐसे टर्न कर देंगे, थोड़ा सा हो जाने दीजिए, अभी हुआ नहीं है। गैस हमारी तेज है, ये भी हमारा पक रहा है, जब तक, जब ये थोड़े ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको टर्न कर देंगे। हमें दोनों साइड से ये करके फिर हमें ये चाशनी जो हमने ये फूड कलर डाल के तैयार की है, ये हमें इसमें कुछ सेकंड्स के लिए, 30 सेकंड्स के लिए इसके अंदर डालनी है, और डाल के फिर हम प्लेट में सेट करते जाएंगे। ये हमारी हो गई है ब्राउन एंड क्रिस्पी, ये हम निकाल लेंगे बाहर, ऐसे सारी निकाल लेंगे, और हम अपनी बाकी की सारी भी ऐसे ही तल लेंगे। ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं, ये भी हमारे गर्म है, और हमने गैस ऑन की हुई है, और ये हमारा ये भी पानी भी हमारा इस टाइम गर्म है। अब ये हम इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा
थोड़े थोड़े डालते जाएंगे, डिप करते जाएंगे इसमें, ये सोक कर ले और फिर हम इसको बाहर निकाल के प्लेट में सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये चाशनी में से निकाल के और प्लेट में ये सेट कर दी है। यहाँ पर एक टिप है कि अगर आप जब आपका चाशनी तैयार हो रही हो और दूसरी साइड आपके ये डीप फ्राई हो रहे हो, तो आप निकाल के डायरेक्ट आप चाशनी में डालते जाएं और उस कुछ सेकेंड्स 10 सेकेंड उसमें डिप करने के बाद आप निकाल के सेट करते जाइए। ये भी एक मेथड है, और जो मैंने आपको बताया कि आप सारे निकाल लीजिए तो फिर आपको ये थोड़ा गर्म करना पड़ेगा ताकि गर्म में आप अपने ये स्लाइसेस डालें, और स्लाइसेस भी आपके ये जो क्यूब्स हैं ये आपके गर्म ही होने चाहिए जब आप इसमें डालें ताकि ये अच्छे से सोक कर सके। अभी हमने सोक करके निकाल लिया है और ये हमारे क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों हैं, और बस अब हम इसमें हमारा ये रबड़ी मिल्क तैयार हो चुका है, ये हम इसके ऊपर पूरे पे स्प्रेड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी रबड़ी, बढ़िया रबड़ी तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसको मिल्क मेड से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसमें मावा, दूध में मावा डाल करके भी इसको अच्छे से खूब आप रबड़ी बना सकते हैं, और चाहे तो खाली दूध से भी बना सकते हैं कि इसमें आप कुछ ना डालें लेकिन पका पका के इसको रबड़ी टाइप कर लें। अब हम इसको इस पे डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे शाही टुकड़े तैयार हैं जो हमने ऊपर आलमंड से इसको गार्निश किया है। इसे आप अब फ्रिज में रखिए और ठंडा करके खाइए। आपके यहाँ कोई भी पार्टी हो या घर में कोई भी गेस्ट आ रहे हो, आप ये किसी भी ओकेजन पर बना सकते हैं, और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।